शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे से मंशू फुटवेयर पर आयकर की कार्यवाही शुरू हुई, जो कि मंगलवार लगभग 6 बजे के आसपास समाप्त हो गई। विभाग को मंशू फुटवेयर से भी कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। विभाग की कार्यवाही लगभग 80 घंटे तक चली। आयकर विभाग की शनिवार 1 बजे से शुरू हुई कार्रवाई मंशू फुटवेयर पर समाप्त हो गई। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं हम, ये देख रहे हैं आप जो है मंशू फुटवेयर आपका ये बिल्डिंग है पूरी, और ये कार्रवाई काफ़ी लंबी चली, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कर्मचारी थे, जो यहाँ के जो और लोग काम करने वाले थे अंदर, वो काफ़ी परेशान रहे। लेकिन यानी कि 80 घंटे से भी ज़्यादा कार्रवाई यहाँ चली। हालांकि हर मिलाप की जो है 72 घंटे लगभग, उनकी भी लगभग 80 घंटे के आसपास कार्रवाई चली, लेकिन वो कार्रवाई जल्दी ख़त्म हो गई थी। तो वहीं पर अगर ये देखें इनकम टैक्स की जो रेड है, जिसमें तमाम पर्चियों का खेल सामने आया है विभाग के इस बार, और उम्मीद है कि उन पर्चियों से भी करोड़ रुपए की लेन देन की सुबुगाहट यानी कि सुराग मिल सकते हैं। और विभाग ये भी खंगाल रहा है कि आखिर इतने पैसे लोगों के पास कहां से आए। मंशू फुटवेयर पर भी कई करोड़ रुपए मिलने की संभावना नज़र आ रही है। ये आपको तस्वीर दिखाते हैं, नीचे जो सूज के डिब्बे रखे हुए आप देख रहे हैं ये, और ऊपर तरफ आप देखिए ये सब कर्मचारी हैं जो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर अभी भी अंदर जो है, अब ये कर्मचारियों में हलचल है थोड़ा सा। लेकिन इससे पहले अब आपको बता दें कि जहाँ विभाग पर्चियों का सहारा लेकर के अब और भी लोगों के सुराग तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं कई करोड़ रुपए मिलने के साथ साथ ज़मीनी कागजात, आभूषणों के कागजात और रियल इस्टेट में लगे हुए कागजात, साथ ही और अन्य जगहों पर कहीं भी जहाँ भी इस कंपनी ने पैसे लगाए हैं, उनकी सभी की जाँच पड़ताल अब विभाग करेगा। यानी कि पहले यहां से कागजात जब्त किए हैं और पैसे जो कैश मिले उसको भी ले गए विभाग वाले, और अब जो है कागजों की जांच पड़ताल आगे सालों दर साल चलती रहेगी। उम्मीद है कि विभाग को इस कंपनी से भी कई करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।